हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं शरभ। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेके आया हूं यहां पे ये ड्यूल की बेसें। अब बेसिकली दोस्तों ये बेसें होने वाली हैं पी ऑडियो की, और स्पीकर का जो मॉडल नंबर है, कैसा स्पीकर, वो सारी की सारी डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ओवरऑल ये जो है बेसें आप देख सकते हैं, ये डबल की बेसें हैं, और मॉडल नंबर जो कैबिनेट का है वो है यहाँ पे 728, और ये डबल 18 है। इस बात का आपको ध्यान देना है। एलिंकी में फिट करूँगा, इस बात का आपको भी ध्यान देना है। और ए टू जेड जो है इसके वीडियो में इन्फॉर्मेशन जो है वो होने वाली है, और कोशिश करूँगा मैं आपको ये अवेलेबल भी करवा दूँ, परचेजिंग के लिए अवेलेबल भी करवा दूँ। तो वीडियो का एंड तक बने रहना, और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि मैं यहाँ पे फिट करने वाला हूँ अपने पीओडीओ के बेसों को, और यहाँ पे कैबिनेट भी आ चुके हैं मेरे पास। जस्ट अभी फिलहाल में ही मेरे पास यहाँ पे कैबिनेट आया है। तो एक एक करके सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में देने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी कैबिनेट को, कैबिनेट कैसी क्वालिटी की है, क्या हम इसके अंदर कैबिनेट में कैसा बनवाया है मैंने, और काफ़ी मैंने सोच समझ के उसको कैबिनेट को बनवाया था। प्लस मैंने यहाँ पे जो पेंट था, बेसिकली पेंट को ही यहाँ पे मेरे को 2 दिन लग गया था इस पेंट को करवाने में, तो उसके बारे में डिटेल में देने वाला हूँ। अभी फिलहाल में दोस्तों मैं यहाँ पे स्पीकर उसको हटाता हूँ, उसके बाद मैं कैबिनेट को आपको खोल के भी दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने जैसे कि ये ग्रिल आप देख सकते हैं मैंने खोल दिया, अभी मैं इसको यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। और यहीं अगर मैं बात करता हूँ इनकी क्वालिटी के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे गर्दा है बेसिकली, जो अभी तो ये फैक्ट्री से जस्ट अभी फैक्ट्री से आ रही है पेंट होके, और यहाँ पे जो पेंट है वो 1-2 दिन पहले करवाया था जैसे कि मैंने बताया। अभी मैं आपको जो है वो दाने यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, ये जो है वो पेंट के दाने हैं यहाँ पे, ये स्क्रैचेस लेते हैं। हल्का सा जो है वो रबर टाइप करा हुआ है मैंने, अगर आप इसको दवाई के तो हल्का सा जैसे रबर टाइप होता है उस टाइप का जो है उस पर पेंट करवाया हुआ है। यह अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों एलिंकी बोल्ट की, तो मैं यहाँ पे भी एक अपने वर्कर को बुलाना चाहूँगा। यहाँ पे आइए भैया, इसको जरा फोल्ड करवा दीजिए, मैं आपको पीछे से जो है ना एलिंकी थोड़ा सा ऐसे कर्व करवा दूँ। हाँ बस बस इतना। अभी दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे एक एलिंकी बोल्ट यहाँ लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, ठीक है ना, एक यहाँ लगा हुआ है, 2 पीछे लगाया हुआ है, ये रहा 2 हो गए, तीसरा चौथा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ऊपर लगवा दिए और 6 नीचे लगवा दिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, और पीछे की साइड भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये आ जाता है, इधर भी लगवाया हुआ, ये देखिए ये जॉइंट्स पे भी, यहाँ पे भी ये वाला जॉइंट्स पे भी, यहाँ पे भी लगवाया हुआ है, ठीक है ना। बहुत मैंने क्वालिटी का जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है कैबिनेट पे। बाकी आप पेंट की क्वालिटी देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा नीचे रखवा के फोल्ड करवाता हूँ। अभी मैं फोल्ड करवाता हूँ यहाँ पे दोस्तों, अभी मैंने जैसे कि इसको नीचे रखवाया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों स्पीकर का जो टेपर है वो यहाँ पे जो कर्व है वो इतना कर्व हमने रखा हुआ है। तो ये सारी की सारी डिटेल है। बाकी यहाँ पे ये मेटल में हैंडल यूज़ करेंगे, पार्टी की डिमांड थी, तो ये आप देख सकते हैं ये अंदर ये बोल्ट्स लगे हुए रहते हैं, यानी इनकी जो है वो पत्तियाँ लगी हुई रहती हैं, ये लोहे की होती है, ये भी बकायदा जो है वो पेच से यहाँ पे टाइट कर जाते हैं, बाई चांस बोल्ट लूज़ हो जाए, एलिंकी जो पेच है वो लूज़ हो जाए तो ये गिरे ना, इस बात का भी जो है वो ध्यान दिया गया है। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ प्लाई की, तो दोस्तों ये 18 mm की प्लाई पे बनाया जाता है, तो यहाँ पे आप जो है वो क्वालिटी देख सकते हैं। अभी इसके अंदर जो है वो सारा का सारा हम जो है वो एलिंकी वाला काम करेंगे। तो दोस्तों अभी तक तो मैंने आपको दिखाई यहाँ पे कैबिनेट, हमारी कैबिनेट कैसी क्वालिटी की है, सारी डिटेल मैंने आपको दिखाई, पेंट की क्वालिटी दिखाई, और उसके अंदर जो काम होने वाला है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ जो है वो हमारी यहाँ पे जो कि इस बेस को यहाँ पे पावरफुल बनाने वाली है, और काफ़ी तगड़े रिस्पांस के लिए यहाँ पे इसको तैयार करने वाली है, वो है यहाँ पे दोस्तों हमारा जो स्पीकर है वो आता है। अब दोस्तों स्पीकर के मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो स्पीकर है दोस्तों मैं फिलहाल में यूज़ कर रहा हूँ पीओडियो का 1000 V3। अब यहाँ पे देख सकते हैं V2 की जगह V3 जो है वो आने लग गया है, ये नया स्पीकर है, यानी नया जो है वो कंपनी अभी इसको लॉन्च, यानी काफ़ी जो है वो मार्केट में अपना रिस्पॉन्स जो है वो दे रहा है। यहीं अगर मैं बात करता हूँ तो ये पीओडियो मेड इन थाईलैंड प्रोडक्ट है, यहीं पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेड इन थाईलैंड ये प्रोडक्ट है। कुछ स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो दोस्तों यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है, सबसे पहले हम इसका मॉडल नंबर जान लेते हैं पूरा, तो C18 1000 V3 है इसका मॉडल नंबर, 18 इंची का इसका लो फ्रिक्वेंसी यानी बेस के लिए स्पीकर को बनाया गया, 4.5 इंची इसका वॉइस कॉल है, यानी वॉइस कॉल जो साइज़ है वो 4.5 इंची है। लेकिन दोस्तों जो साइज़ है वॉइस कॉल का वो इन आउट है, इस बात का आपको ध्यान देना है। 1600 वाट तो इसकी AAS पावर है, अगर आपको RMS पावर जानना है तो -30% जो है वो आप कर सकते हैं, तो लगभग आपको मालूम पड़ जाएगा, एक अंदाजा मिल जाएगा। यही मैं बात करूँ 8 ohms का इसका इम्पीडेंस है, फेराइट मैग्नेट है, डाईकास्ट एल्यूमिनियम चैसी है, यानी जिसका जो फ्रेम है वो चैसी जो है वो यहाँ पे डाईकास्ट एल्यूमिनियम से बनाई गई है, ABC यहाँ पे मेंशन करा गया है, तो ये ऑटो बैलेंस कूलिंग के साथ में आता है। और दोस्तों यहीं पे सबसे पहले अभी हम इसको अनबॉक्स कर ही लेते हैं, ये मैंने यहाँ पे सील्स को हटाया, ठीक है दोस्तों,
और इसके अंदर दोस्तों एक बॉक्स में ऊपर की साइड जो है वो चार सील्स मिलती हैं, इस बात का आपको ध्यान देना है। स्पीकर का कार्डबोर्ड कुछ इस टाइप से होता है, ऊपर एक पूरा एक कार्डबोर्ड रखा रहता है। ये फॉर्म वाली होती है, बेसिकली ये किस काम में आती है वो भी मैं आपको डिटेलिंग में बताने वाला हूँ, और इसका हम पूरा का पूरा यूज़ करेंगे, इस बात का आपको भी ध्यान देना है। एक यहाँ पे राउंड में एक हमें ये कार्डबोर्ड देखने को मिल जाता है जो कि इसकी सेफ्टी के लिए होता है, कुछ इस टाइप से लगा होता है, इस बात का आपको भी ध्यान देना है। बात करता हूँ स्पीकर के, दोस्तों ये हमारा जो है वो मेन यूनिट हो जाता है। तो दोस्तों ये आ जाता है हमारा स्पीकर कुछ इस टाइप का, और यहाँ पे इसका जो साइज है वो दोस्तों यहाँ पर 18 इंच, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कोन की, तो यहाँ पे जो कोन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जो है वो कोन यहाँ पे यूज़ करी है, काफ़ी जो है वो एक कोटिंग बेसिकली इसके ऊपर जो है वो करी जाती है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो डस्ट कैप, जैसे कि आपको पता है कि पियोडो के जितने भी डस्ट कैप होते हैं वो काफ़ी अच्छे से जो है वो सील्ड होते हैं, तो ओवरऑल ये हो जाता है इसका फ्रंट लुक। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्म हो जाती है इसकी, तो काफ़ी अच्छी खासी जो है वो यहाँ पे हमें फॉर्म देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ स्पाइडर की क्वालिटी, तो यहाँ पे आप स्पाइडर की क्वालिटी देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो स्पाइडर है उसके ऊपर आप देख सकते हैं ये रिंग रखा गया। अब मैं बात करता हूँ स्पाइडर की क्वालिटी, दोस्तों ये जो स्पाइडर है वो है ड्यूल सिलिकॉन स्पाइडर। अब सिलिकॉन स्पाइडर के बारे में तो आपको पता है कि ये नॉर्मल स्पाइडर से 2 गुना ज़्यादा जो है वो रिलायबल स्पंजी होता है, और बकायदा ये एलिंकी यहाँ पे लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा एलिंकी की जो है वो यहाँ पे काम करा गया है पीओडीओ ने। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों ये हो जाता है इसके टर्मिनल्स वायर्स, यानी लीड वायर हो जाती है इसकी टर्मिनल्स की, इसको भी काफ़ी अच्छी जो है वो सील यहाँ पे करा हुआ है। और बकायदा ये देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको जो है वो एलिंकी बोल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ओवरऑल ये पूरा का पूरा जो है वो स्पाइडर की यहाँ पे क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ओवरऑल ये स्पीकर का जो है वो फ्रेम डिज़ाइन हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया 1000V2 से और V3 में थोड़ा सा अब ग्रेडेशन हुआ है, तो अब ये फ्रेम डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं अगर मैं बात करता हूँ ओरिजिनल कैसे पहचाने, तो इस बात का आपको भी ध्यान देना है। ओरिजिनल पहचाने के लिए तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये टर्मिनल सॉकेट्स पे देख सकते हैं, यहाँ पे पी ऑडियो का जो है वो ब्रांड लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हैं ये ब्रांड लोगो है, और ये प्लास्टिक वाला जो होता है ये टर्मिनल सॉकेट होता है पूरा का पूरा। यहाँ पे इसके जस्ट सामने यानी नीचे की साइड अगर आप उतरेंगे तो फ्रेम पे आपको ये एक स्टिकर देखने को मिल जाता है, जिसपे इसका मॉडल नंबर ब्लैक है, ये 8 ओम्स का है, और यहाँ पे ये सीरियल नंबर मेंशन रहता है, जो कि आपको बॉक्स पे भी यही सेम स्टिकर देखने को मिलेगा हर एक स्पीकर के सीरीज में। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल बैक साइड के, तो यहाँ पे दोस्तों ये बैक साइड हो जाता है, यहाँ पे भी आपको पी ऑडियो की ब्रांडिंग, और ध्यान देना है कि पी ऑडियो का जो लोगो हो, जो ये लिखावट हो, वो बिल्कुल एग्जैक्टली हो, कोई भी उसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि आपको पंच है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ों पर आपको देखने का पड़ता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। प्रोफेशनल लाउड स्पीकर यहाँ पे मेंशन है, मेड इन थाईलैंड, जैसे कि मैंने बताया पीओडियो ओरिजिनल जो होता है वो मेड इन थाईलैंड का होता है। बाकी ये फॉर्म हो जाता है स्पंची फॉर्म होता है, ये गर्दा वर्दा जो होता है या फिर कुछ डस्ट पार्टिकल होता है तो उसको रोकने के लिए काम आता है। जस्ट उसके नीचे भी एक यहाँ पे ग्रिल लगा के दी गई है उसके नीचे भी, तो बड़े डस्ट पार्टिकल भी इसमें नहीं जा पाते हैं। और ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो ये इसका जो है वो फ्रेम के अंदर का यानी जो मैग्नेट है वो यहाँ पे ये हो जाता है। तो ओवरऑल ये था इसका दोस्तों पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे चैसी के साथ में, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कुछ और डिटेल, यहाँ पे फिटिंग कैसे करने वाले हैं और भी जानकारी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको स्पीकर की सारी डिटेल दे चुका हूँ, कैबिनेट की भी दे चुका हूँ, अभी जो टाइम आता है दोस्तों वो आता है हमारा एलिंकी बोल्ट्स को लगाने का। तो इसके अंदर तो सिंपल जैसे जिप्सन पेज होता है उसी का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे जो है वो एलिंकी बोल्ट्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो उसको होल करने के लिए, उसको लगाने के लिए हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको अपने स्पीकर लेना है, एक ही स्पीकर को ओपन करके रखिए, फिलहाल में तो अलग यहाँ पे भी रखा हुआ है, लेकिन आप कोशिश करिए एक स्पीकर बॉक्स में से निकालें और यहाँ पे पहले साइज बना लीजिए, यानी जो होल है उसको बना लीजिए। चलिए मैं आपको कैसे करता हूँ वो बताता हूँ। तो ये तो हमारा स्पीकर हो जाता है, ये देख सकते हैं ये स्पीकर हो जाता है, इसके अंदर जो है वो होल्स हैं यहाँ पे, और यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ साइज जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं, ये मैंने यहाँ पे स्पीकर को रखा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि स्पीकर को मैं यहाँ पे बैठा चुका हूँ और स्पीकर बिल्कुल यहाँ पे तैयार है, अभी मैं इसको जो है वो यहाँ पे होल्स के लिए हमें यहाँ पे निशान मारना है, तो मैं यहाँ पे इसका ये छोटा सा टेस्टर सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो हल्का हल्का सा मैं यहाँ पे इसको देखूंगा, क्योंकि एग्जैक्टली होता क्या है कि आप ब्लैक पेंट पे तो कुछ पेंसिल वैसे चला नहीं पाएंगे, या फिर आपको वाइट यहाँ पे मार्कर चाहिए होगा, तो मैं इससे इजिली इस पर कर लूँगा, तो आसानी से मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने करा, इसमें एक इसमें करा और एक यहाँ करा और ये यहाँ करा। चलिए मैं स्पीकर को उठाता हूँ, अभी देखेंगे जो हमारा यहाँ पे मार्क है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब जगह यहाँ पे लग चुका है, ये देखिए यहाँ पे मार्क लग चुका है, ठीक है दोस्तों यहाँ पे लग चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ इनमें अब एलिंकी बोल्ट्स बैठाता हूँ। चलिए मैं एलिंकी जो है वो अभी ड्रिल मशीन से पहले इसमें होल्स कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला होल तो हो गया, अभी हम ये वाला कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला होल कर लिया, और दोस्तों एक बात का आपको ध्यान देना है, आपके पास ये एलिंकी बोल्ट एक अलग से हो,
और इसमें आप बार सेल डाल दो या फिर आपके पास कुछ ऐसा हो जो कि यहाँ पे इसके हेड से मोटा हो, जो कि यहाँ पे इजीली इसको यहाँ पे, अभी मैं देखिए इसमें थोड़ा सा और मेरे को होल जो है वो बड़ा करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ये होल जो है वो थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, बड़ा करा मैंने, और यहाँ पे बोल्ट डालते हैं। तो यस, ये पूरा का पूरा पार जा रहा है, और यहाँ पे मैं लेता हूँ इसमें से एक पीस ये, और आपने करना क्या है कि पहले आपने ये बोल्ट तो डाल दिया, ठीक है ना, आपने नीचे से इसको लगाना है। मैंने यहाँ से नीचे से इसको टाइट करा, यहाँ से लगाया मैंने इसको, कस देता हूँ जहाँ तक जा रहा है ये लकड़ी तक, गया 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 और यहाँ बैठ गया, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है कि नीचे वाले को नहीं घुमाना है, मेरे को घुमाना है ऊपर वाले को। आपको नीचे का हल्का सा हाथ देना लगा के और इसको टाइट कर देना है, और वो देखिए लकड़ी में अपने आप बैठता जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे लकड़ी में अपने आप ये बैठता जाएगा, ये बैठा बैठा, ये बैठता गया। अभी आपको मालूम पड़ गया होगा मैंने यहाँ पे हेड से मोटा क्यों बोला, कि कुछ आप बाहर से लगा लीजिए या फिर कुछ भी हो आपके पास, और ये लकड़ी में ये अंदर और थोड़ा टाइट कर देते हैं, और थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, और ये बैठ गया। अब मैं नट को खोलूँगा तो ये नहीं गिरेगा। चलिए मैं यहाँ से नट को खोलता हूँ, यहाँ से मैंने नट को खोला, अब तो ईजिली यहाँ से ऐसे खुल जाएगा। चलिए हाथ से खोल ही देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये हल्का सा आपको चमकता हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये बिल्कुल लकड़ी के अंदर जो है वो टाइट होके फिट होके बैठ गया है। अभी एक दो बार अगर मैं स्पीकर भी टाइट करता हूँ तो ये और टाइट हो जाएगा। तो अभी हम जो है वो बाकी भी यहाँ पे कर लेते हैं, और इसको भी हम फिर ड्रिल मशीन को लेते हैं, और बाकी को करके दोस्तों मैं यहाँ पे मिलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने एलिंग के बोल्ट का बोला कि कस के मिलते हैं, तो यहाँ पे सारे लग चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं ये ए टू जेड पूरे लग चुके हैं। कोशिश करूँगा मैं आपको, अगर दिख सकता है तो दिखा दूँगा। तो यहाँ पे ये आ गया, ये भी लग चुका है, ये भी लग चुका है। तो ओवरऑल ये लगने के बाद दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन पे हल्का फुल्का सा जो है वो वाइट सा निशान है, तो कुछ अच्छा से नहीं लग रहा। तो इसलिए मैं दोस्तों यहाँ पे ये एक मैट ब्लैक जो कलर आता है, स्प्रे पेंट आता है, इसका यूज़ करता हूँ। थोड़ा सा फिनिशिंग विनिशिंग या फिर टचिंग वचिंग जो होता है बाई चांस उठाने में, रखने में, पैकिंग करने में कुछ अगर लग जाता तो इसका हम यूज़ करते हैं। तो फिलहाल मैं इस पर थोड़ा सा जो है वो सब पे स्प्रे कर दूँगा ताकि दिखने में बुरा ना लगे। इन पे तो कर दिया है, इन पे आप देखिएगा यहाँ पे भी हो गया। तो ओवरऑल ये काम इसका हो गया। अभी हम चलते हैं इसका जो बैक प्लेट है, बैक प्लेट को हम कैसे कस रहे हैं, कैसे कसते हैं, वो सारी डिटेल मैं आपको देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि बैक प्लेट है, तो यहाँ पे ये होल यहाँ पे कटा रहता है बैक प्लेट का, और ये वाली जो है वो गहरी वाली हम बैक प्लेट यूज़ कर रहे हैं। स्पीक ऑन में बिल्कुल टाइट कर चुका हूँ। पीली वाली वायर को ध्यान रखना है कि ये हमारी रेड है, ब्लैक वाली वायर को याद रखना है कि ये हमारी माइनस है। यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ कनेक्शन की, सिंपल एक वायर का छोरा हमने यहाँ पे जो माइनस है वहाँ पे ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, ये देख सकते हैं, और जस्ट यहाँ पे लाए और हल्का सा कट दे के हमने यहाँ पे जॉइंट कर दिया। सेम उसी के साथ में हमने यहाँ पे ये जो है पीली वाली वायर यानी जो रेड है उसको भी हमने यहीं पे करा प्लस वाली वायर को। सिंपल बहुत इजी रहता है, दो स्पीकॉन एक में यूज़ होता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने ये बोल्ट्स पे जो है वो फेविकॉल डाल दिया है, तो बाय चांस ये वाइब्रेट, जैसे कि पता है कि आपको बेस है तो यहाँ पे वाइब्रेट होगा, तो ये मे बी नट जो है वो यहाँ पे खुल सकता है, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे ऐसा टाइट कर दिया है। अभी मैं इसके अंदर डालता हूँ बैक प्लेट को। तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है फिटिंग की, तो सारी वायरिंग हो चुकी है, वायरिंग वायरिंग भी खींच चुका हूँ, और यहाँ पे एलिंग के बोल्ट्स भी जो है हमारे नीचे के वो सब कुछ लग चुका है। बात आती है दोस्तों इसका जो काम क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले बात दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपके हैंडल या फिर इधर उधर से कभी भी एयर पास ना हो। एयर पास कहाँ से हो, जहाँ से हमने इसको एयर पास के लिए हमने जगह दे रखी है बस यहीं से हो। फिलहाल में अभी हम इसका जो रबड़ का काम ये होता है दोस्तों, जो साइड से जो स्पीकर हम फिट तो कर देते हैं, लेकिन जो हवा जो पास होती है सर 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 सी आपको आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि स्पीकर ख़राब है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो स्पीकर है वो ख़राब है, बट एक्चुअल में वो सर 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 यहाँ से आवाज़ आती है। तो इसको ही ये जो ये रबड़ होती है बेसिकली वन साइड टेप होती है, आप चाहे तो इसको स्पीकर के साथ में लगा के इसको यूज़ कर लें, या फिर आप चाहे तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसको प्लेस कर दें। मेरे हिसाब से तो आप कोशिश ये करेगा कि स्पीकर के साथ ना लगा के आप कैबिनेट पे लगा के छोड़ दें, क्योंकि स्पीकर तो चेंज होता रहेगा लेकिन कैबिनेट में भी अगर अच्छी कैबिनेट है तो कैबिनेट चेंज नहीं होगा, तो कैबिनेट का एक तो प्लस पॉइंट आपके लिए ये हो जाएगा। चलिए मैं फटाफट से ये देखिए आपको ऐसे लगाना है, और ये कटिंग जो रहता है ये आपके पेज के होल के लिए रहता है, और ये जो है वो जैसे आप बचपन में खेलते थे ना, वो खिलौने होते थे उसको यहाँ पे मिलाना पड़ता था कुछ इस टाइप से। सिंपल यहाँ पे हमने मिलाया और इसको यहाँ पे ऐसे कर दो, सिंपल इट्स वेरी इजी, और इसको मिलाया हमने यहाँ हो गया। इसको थोड़ा सा और यहाँ हम ऐसे कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है।
अभी मैं ये भी बाकी भी लगा के छुट्टी कर देता हूँ। तो दोस्तों रबड़ था, रबड़ हम लगा चुके हैं, ये देख सकते हैं ये लगा चुका हूँ यहाँ पे पूरे अच्छी तरीके से, ये फिट है। वन साइड टेप होता है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये लगाने के बाद अभी हमारा जो काम बचता है वो बचता है सिर्फ और सिर्फ इसको फिट करना, यानी स्पीकर को लगाना। तो मैं यहाँ पे स्पीकर को लेता हूँ, और स्पीकर को लगाने से पहले दोस्तों एक चीज़ की संतुष्टि आपने ये ज़रूर करनी है कि आपके मैग्नेट के पीछे कोई भी स्क्रू या फिर बार्सर या फिर कोई भी अन्य चीज़ जो लोहे से इससे चुपक जाए वो ना लगी हो, एक बार ज़रूर चेक कर लें लगाने से पहले, क्योंकि जब वाइब्रेशन होगा तो वो भी हो सकता है कि वाइब्रेट करे और अननोन सी साउंड दे, क्वालिटी में आपकी खराबी ला सकता है। तो चेक कर लें, ये बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे मैं चेक कर चुका हूँ, अभी हम स्पीकर को यहाँ पे लगाते हैं, रखते हैं नीचे, और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे रखा। अभी मैं वायर यहाँ पे लेता हूँ, ये आ गई हमारी माइनस वाली वायर, मैं इसको यहाँ पे नीले वाले में डाल देता हूँ, ठीक है ना, ये डाल दिया मैंने। और ये आ गई हमारी प्लस वाली वायर जो कि पीली है, इसको मैं डाल देता हूँ लाल में, ये यहाँ चले गई। और डालने के बाद एक बारी ज़रूर चेक कर लें, ये हल्की सी लूज लग रही है ये वाली, चेक कर लिया मैंने, ठीक है, दोनों बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं यहाँ पे इसको फिट करता हूँ स्पीकर को, ये आ गई दूसरी वायर, और इसमें भी अभी हम स्पीकर लगा लेते हैं। मेरा हल्की वायर यानी थोड़ा सा छोटी करने का मकसद ये है, अभी देखिए मैं तो यहाँ पे ठीक है, ये बराबर है। जैसे मैं स्पीकर को यहाँ पे नीचे रखूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे स्पीकर को नीचे रखा, ये वायर हो गई यहाँ, ये ढीली, ये देखिए अभी आपको हल्का सा जो है वो साउंड भी आ रहा होगा, आ रहा है ना, यही वजह है मेरा हल्का वायर, यानी जो वायर है वायर का लेंथ है वो ज़्यादा ना देने का। अभी आपको भर भर के कोई दे दे वायर वो अलग बात है कि आपको बोल दे कि इससे क्वालिटी अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग है। वायर उतनी ही लगाइए जितना वो वाइब्रेट ना करे या फिर हिले डुले ना, इस बात का को ध्यान देना है। मैंने भी उतनी ही वायर लगाई है कि वाइब्रेट ये ना करे, अननोन से साउंड ना निकाले, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो ये तो था, वो स्पीकर मैं फिट कर चुका हूँ, दूसरी बेस को भी अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये अगला दिन है और यहाँ पे बेसें बिल्कुल तैयार हैं, जैसे सकते हैं यहाँ पे हमारी दोनों बेसें, स्पीकर बिल्कुल टाइट फिट करके और सारा लिंक के बोल्ट सब कुछ कस के यहाँ पे बिल्कुल रेडी कर चुका हूँ। बस इन पर बाकी है अभी ग्रिल लगाना और टेस्टिंग देना आप सभी को। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट से इस पर ग्रिल लगाता हूँ, उसके बाद मैं आपको देता हूँ इसकी टेस्टिंग। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं मैं टेस्टिंग के लिए एम्पलीफायर कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं एम्पलीफायर जो है हमारा वो है ऑडियो स्टैंडर्ड का एम्पलीफायर है। चलिए मैं इसको जो है वो अनबॉक्स कर देता हूँ, मॉडल नंबर भी आपको यहाँ पे बताता हूँ। और बेसिकली ये जो एम्पलीफायर है दोस्तों वो है वीपी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीपी है, VP 8000 है ये एम्पलीफायर। अभी इसके बारे में सारी डिटेल मैं आपको दूंगा, तो फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से जो है वो पैकिंग हो जाती है, पैकिंग में काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया है, ऊपर यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा के दिया गया है, साइड में यहाँ पे चार थर्माकोल है इसके अंदर। ये दोस्तों आ जाता है हमारा VP 8000 ड्यूल चैनल एम्पलीफायर है, ऑडियो स्टैंडर्ड का है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है और देखने में तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बल्कि सा लग रहा है फ्रंट से। चलिए इसको लगाते हैं, कैसा करता है परफॉर्मेंस वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं टेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पे बेस हमारी लग चुकी है, एम्पलीफायर यहाँ पे लग चुका है, एम्पलीफायर जैसे कि मैंने बताया तो ये रेडी है बिल्कुल, और यहाँ पे लाइट जलती है, यहाँ पे भी जलती है, और उसके ऊपर हमने दो यहाँ पे लाइनरें दिए हुए हैं। चलिए यहाँ पे जो टेस्टिंग है वो आप देख लीजिए, और कैसा करने वाला है परफॉर्मेंस वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सिंगल सिंगल एक एक चैनल पर हमने एक एक जो है वो बेस डाले हुए हैं, एक एक चैनल पर हमने ये लाइनरें डाले हुए हैं, और चलिए यहाँ पे टेस्टिंग में आपको।
लेके रेस्टिंग मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी। और दोस्तों कैसा करा रेस्टिंग परफॉर्मेंस जरूर नीचे कमेंट बता के जाना। और यहाँ पे दोस्तों मैं बात करता हूँ उनके बाकी डेली में, तो दोस्तों ये प्योरियो है तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और V2 है, यहाँ पे नया वर्जन है इसका, तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी को। और यहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों ये किन के पास जाना है, हमारे यानी जो DJ व्लॉग के जो फैमिली के मेंबर है उनका नाम है दोस्तों यहाँ पे संजीव कुमार उनका नाम है। उनको काफ़ी अर्जेंट में चाहिए तो मैंने ये जल्दी जल्दी मैं तैयार करवाया यहाँ पे। अब पेंट में बस थोड़ा सा जो टाइम लगा था बस वो पूरे का पूरा रात यहाँ पे सूख रहा था पेंट, तो मैंने कुछ इस टाइप का जो है पेंट करवाया। बाकी आप इसकी क्वालिटी को दे सके। और उनके बिजनेस के यानी उनके DJ का नाम है अंचल DJ के नाम से है, ये भागलपुर बिहार से हमारे भाई। तो आपके पास मैं भेज रहा हूँ दोस्त ये पैकिंग है जो इसमें भी पैकिंग करके दूंगा लास्ट में, कोशिश करूंगा छोटी सी क्लिप डाल दूं पैकिंग करने के बाद तो आपको मिल जाएगा। बाकी ये जा रहा है VRL लॉजिस्टिक में, इस बात का आपको ध्यान देना है। क्वालिटी कैसे लगा जरूर नीचे कमेंट बताना दोस्तों। बात करते हैं कहाँ से अवेलेबल होगा, अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं ऐसा कुछ टाइप की बेस है और ऑर्डर देना चाहते हैं, कोई नंबर शो रहा होगा आप यहाँ से जाके जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्राइसिंग डिटेल में नीचे कोशिश करूंगा लिख दूंगा, प्राइसिंग डिटेल भी आपको मिल जाएगी। और दोस्तों बचा क्या, बस लाइक करना बचा आपका, शेयर करना बचा है और चैनल को सब्सक्राइब करना बचा है, वो आप यहाँ पे कर दीजिए, बाकी मैं काम कर दूंगा। मिलता हूँ किसी और एक अच्छी वीडियो में, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।